जय हिंद दोस्तों। इंडियन आर्मी में क्यों कोई बंगाल रेजिमेंट नहीं है? भारतीय सेना में बहुत सारे रेजिमेंट है, बिहार रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, लेकिन कोई भी बंगाल रेजिमेंट नहीं है। लेकिन वेस्ट बंगाल इज द सिक्स्थ लार्जेस्ट सोल्जर प्रोड्यूसिंग स्टेट। इस पूरे भारत वर्ष में जितने भी राज्य हैं उनमें से वेस्ट बंगाल छठा नंबर पे आता है, जिसमें से सबसे ज्यादा सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाता है। लेकिन फिर भी बंगालीज के लिए कोई अलग रेजिमेंट क्यों नहीं है? आज मैं आपका इसी सवाल का जवाब देने वाला। सबसे पहले समझते हैं रेजिमेंट होता क्या है। रेजिमेंट एक बहुत बड़ा आर्मी ग्रुप है जो बहुत सारे बटालियंस को लेकर के बनता है। जैसे बिहार रेजिमेंट में 26 बटालियंस है, कुमाऊं रेजिमेंट में 22 है, सिख रेजिमेंट में 20 है, और हर एक बटालियन में लगभग 900 से 1200 के आसपास में सोल्जर्स रहते हैं, जिन्हें एक कर्नल रैंक के ऑफिसर लीड करते हैं। और हर एक बटालियन 4 कंपनीज को लेकर के बनता है, हर एक कंपनीज को लेफ्टिनेंट कर्नल या फिर मेजर रैंक के ऑफिसर कमांड करते हैं। इसके नीचे भी सेक्शन प्लाटून होता है, लेकिन ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन आर्मी के रेजिमेंट का। अब देखिए, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में बंगाल रेजिमेंट था जो बंगाल प्रेसिडेंसी या फिर फोर्ट विलियम के अंडर में हुआ करता था, और उस वक्त पर ब्रिटिश इंडियन आर्मी में ये रेजिमेंट 3 यूनिट को लेकर के बनाया गया था, द बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, द बंगाल यूरोपियन इन्फेंट्री और द बंगाल सैपर्स। देखिए, हुआ ये था कि उस वक्त पर बंगाल नेटिव इन्फेंट्री वो यूनिट था जिसमें मंगल पांडे थे और जिन्हें आजादी का सबसे पहला शहीद भी माना जाता है, और अंग्रेजों के शासन पर पहली बार सबसे बड़ा वार किया था बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने। मंगल पांडे के कमांड में इन्होंने विद्रोह किया। इतिहास ने इस विद्रोह का नाम दिया सिपाही विद्रोह। मंगल पांडे उस वक्त पर 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में थे। 29th मार्च 1857 में मंगल पांडे ब्रिटिश ऑफिसर लेफ्टिनेंट बक के ऊपर तलवार से वार करते हैं और अपनी बंदूक निकालकर उन्हें शूट करके मार देते हैं। ये घटना ब्रिटिशों के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट और डर बिठा देता है। इसके बाद बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के हाथ पकड़कर पूरा देश में सिपाही विद्रोह फैल गया। ब्रिटिश समझ गया था कि बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में जितने भी बंगाली सोल्जर्स हैं, अगर इन सबको एक जगह पर रखा जाए तो ये सिपाही विद्रोह को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता और ब्रिटिशों को बहुत मार पड़ेगी। उस वक्त पर ब्रिटिश को डर हो गया और इस डर के चलते और ये जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री था इसको तोड़ने के लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी से इस बंगाल रेजिमेंट को हटा दिया गया। बंगाल रेजिमेंट को हटाने के बाद ये बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में जितने भी बंगाली और नॉन बंगाली सोल्जर्स थे वो सब कभी एक साथ मिलकर काम नहीं कर पाए, और इस तरह से बंगाल रेजिमेंट को करके ब्रिटिश के दिल में जो डर था ये निकल गया। आपको बताना चाहता हूँ, उस वक्त पर बंगाल रेजिमेंट को खत्म किया गया था ये सही है, लेकिन बंगाल सैपर्स या फिर बंगाल इंजीनियर्स को रखा गया था, क्योंकि उस वक्त पर बंगाल राज्य में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते थे और उनके टैलेंट को ब्रिटिशों ने काम में लेने के लिए बंगाल सैपर्स को रख दिया गया। लेकिन इनके हेडक्वार्टर को बंगाल में ना रखते हुए बंगाल से दूर हटाकर पुणे में स्थापित किया गया, और इस तरह से सिपाही विद्रोह के बाद बंगाल रेजिमेंट को हटा दिया गया। अगर उस वक्त पर बंगाल रेजिमेंट को नहीं हटाया जाता तो सिपाही विद्रोह और ज्यादा बढ़ता और शायद 1857 में ही ब्रिटिश को भारत छोड़कर जाना होता और हमें आजादी मिल जाती। मैंने जो ये बात कही है ये हो सकता था, ये काल्पनिक बात है, ये नहीं भी हो सकता था, ये भी सच है। लेकिन उस वक्त पर बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के हाथ पकड़कर जो सिपाही विद्रोह आगे बढ़ रहा था उस विद्रोह को रोकने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल रेजिमेंट को बंद कर दिया। एक और बंगाली रेजिमेंट का स्थापना हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के समय, उस वक्त पर उसका नाम दिया गया था बंगाली रेजिमेंट, BENGALEE। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय इस रेजिमेंट को बनाया गया था जल्दबाजी में ब्रिटिशों के ओर से लड़ने के लिए। युद्ध के बाद इस रेजिमेंट को फिर से बंद कर दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध में उस रेजिमेंट का हिस्सा होकर के जिन्होंने युद्ध में जान दी उनका नाम आज भी कलकत्ता के कॉलेज स्क्वायर में एक मेमोरियल के ऊपर लिखा गया है। तो आशा करता हूँ मैं आपको बता पाया हूँ बंगाल रेजिमेंट का इतिहास। आने वाले समय में हो सकता है कभी इंडियन आर्मी में बंगाल रेजिमेंट आए, लेकिन वो बाद की बातें हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इन डिफेंस यूट्यूब चैनल को इसी तरह के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे देखने के लिए। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।